हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडी। आज है 9th ऑफ जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1। सो यहाँ पर भारत की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम 1 के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ फॉर इंडियन एयरफोर्स। एंड सेकंड, इट इज एन एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है रुद्रम मिसाइल से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इट्स फर्स्ट इंडिजेनस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड इज एन एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम सुखोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट। सो इट फीचर्स INS GPS नेविगेशन एंड अ पैसिव होमिंग हेड फॉर एक्यूरेट टारगेटिंग ऑफ रेडिएशन इमिटिंग सोर्सेज, एंड विद एन इफेक्टिव रेंज ऑफ 500 मीटर टू 15 किलोमीटर इन एल्टीट्यूड एंड अप टू 250 किलोमीटर इन डिस्टेंस, रुद्रम 1 सिग्निफिकेंटली इन्हांसेस द इंडियन एयरफोर्सेज कैपेबिलिटी टू सप्रेस एनिमी एयर डिफेंसेस एंड न्यूट्रलाइज क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस। तो आप ध्यान रखेंगे, रुद्रम 1 जो है ये एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज दैट टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड एट फोर्ट वाचिरा प्रकरण इन थाईलैंड। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, थाईलैंड के ताक प्रांत में फोर्ट वाचिरा प्रकरण में भारत और थाईलैंड के बीच हुए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं शांति प्रयास, मैत्री, टाइगर रंप या फिर IMT ट्राइलेट। आपको बताना है भारत और थाईलैंड के मध्य जो एक्सरसाइज हाल ही में आयोजित हुई है वाचिरा प्रकरण में उसका नाम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस एक्सरसाइज का नाम है मैत्री। आप यहाँ देख सकते हैं, द 13th इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री इज टेकिंग प्लेस एट फोर्ट वाचिरा प्रकरण इन ताक प्रोविंस ऑफ थाईलैंड फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई टू 15th 2024। सो द मैत्री एक्सरसाइज इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड विच टेक्स प्लेस एवरी ईयर सिंस 2006, एंड द इंडियन आर्मी कंटिंजेंट कंप्राइजिंग 76 पर्सनल इज रिप्रेजेंटेड मेनली बाई अ बटालियन ऑफ लद्दाख स्काउट्स एंड पर्सनल फ्रॉम अदर आर्म्स एंड सर्विसेस। सो द प्रीवियस एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन उमरोई मेघालय इन 2019। सो दिस एक्सरसाइज इज क्रूशियल फॉर बोथ नेशंस फेसिंग टेररिज्म थ्रेट्स एंड स्पेशली इन द सदर्न थाईलैंड रीजन्स लाइक सातून, पाटालुंग एंड बैंकॉक विच आर प्रोन टू अटैक्स। सो आप ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज मैत्री का आयोजन किया जाता है भारत और थाईलैंड के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर ऑफरिंग कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। एंड सेकेंड, persons in the age group of 18 to 50 years having an individual bank or a post office account are entitled to enroll under the scheme. And third, the premium under the scheme is auto debited every year from the subscriber's bank account based on a one-time mandate from the account holder. So, यहाँ पर
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपको बताना है कि इससे संबंधित यहाँ पर कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसमें आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। ये 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है और आप इसको हर साल रिन्यू करा सकते हैं। और जो एज ग्रुप इसके लिए एलिजिबल है वो है 18 to 50 ईयर्स। आप यहाँ देख सकते हैं। सो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज अ 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर ऑफरिंग कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। एंड द पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 ईयर्स हैविंग एन इंडिविजुअल बैंक और अ पोस्ट ऑफिस अकाउंट आर इंटाइटल्ड टू एनरोल अंडर दिस स्कीम। एंड पीपल हु ज्वाइन द स्कीम बिफोर कंप्लीटिंग 50 ईयर्स ऑफ एज कैन कंटिन्यू टू हैव द रिस्क ऑफ लाइफ कवर्ड अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स अपॉन पेमेंट ऑफ रेगुलर प्रीमियम। तो लाइफ कवर ऑफ ₹2 लाख इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन अगेंस्ट अ प्रीमियम ऑफ ₹436 पर एनम इज गिवेन। सो इस स्कीम की बात करें तो इसको ओरिजिनली मेंशन किया गया था इन ईयर 2015 बजट स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर एंड इट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 19 मई 2015 इन कोलकाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी पावर्ड बाइक। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं टीवीएस, हीरो, बजाज या फिर रॉयल एनफील्ड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो दुनिया की पहली जो सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च की है वो कंपनी है बजाज। आप यहां देख सकते हैं। सो बजाज ऑटो द वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी मोटर साइकिल। द बजाज फ्रीडम सीएनजी मोटरसाइकिल प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ ओवर 200 किलोमीटर ऑन जस्ट 2 kg ऑफ सीएनजी फ्यूल एंड इट विल ऑल्सो हैव अ 2 लीटर पेट्रोल टैंक विच विल गिव अ रेंज ऑफ 130 किलोमीटर एंड द बजाज फ्रीडम मोटरसाइकिल प्रोड्यूसेस 26.7% लेस CO2 इमिशन देन पेट्रोल मोटरसाइकिल। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली द स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी अनाउंस्ड विच कंट्री एज अ पार्टनर नेशन फॉर द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को भागीदार राष्ट्र के रूप में घोषित किया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान या फिर पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी ने जिस देश को अपना भागीदार राष्ट्र घोषित किया है वो है भारत। आप यहाँ देख सकते हैं यूएस बेस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी एंड ब्लू ओरिजिन हैव पार्टनर्ड विद इंडिया फॉर देयर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। सो दे विल ऑफर 6 सीट्स ऑन अ फ्यूचर न्यू शेपर्ड मिशन टू सिटीजन्स फ्रॉम कंट्रीज विद लिमिटेड स्पेस प्रेजेंस। न्यू शेपर्ड अ रीयूजेबल सब ऑर्बिटल रॉकेट विल टेक द सेलेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स ऑन एन 11-मिनट जर्नी पास्ट द कार्मन लाइन द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पेस बाउंड्री एट 100 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज लॉन्च द संपूर्णता अभियान। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन हैं नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, नाबार्ड, नीति आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी।
सो हाल ही में नीति आयोग ने लॉन्च किया है संपूर्णता अभियान। आप यहां देख सकते हैं, नीति आयोग लॉन्च द संपूर्णता अभियान ऑन जुलाई 4, 2024, टारगेटिंग 100% सेचुरेशन ऑफ 12 की सोशल सेक्टर्स सेक्टर इंडिकेटर्स अक्रॉस 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। सो रनिंग अंटिल 30 सेप्टेम्बर, द कैंपेन सॉ एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑफिशियल्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड सिटीजन्स नेशन वाइड। द इवेंट्स इंक्लूडेड हेल्थ कैंप्स, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अवेयरनेस यात्राज, एम्फसाइजिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट टू द कैंपेन्स गोल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो आप ध्यान रखेंगे, संपूर्णता अभियान ये 3 मंथ का एक कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा टू अंडरटेक अ सस्टेन्ड एफर्ट टू अचीव सेचुरेशन ऑफ 6 की इंडिकेटर्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड 6 की इंडिकेटर्स इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स अक्रॉस द कंट्री। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।